पाकिस्तान की सीमा हैदर की, सीमा हैदर की गैर कानूनी तरीके से ढंग में भारत में एंट्री और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा के साथ उसकी प्रेम कथा के बारे में अब तक आप जान चुके होंगे। पाकिस्तान की प्रेम की कहानी या फिर सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की जासूस है। शुरुआत में सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को बहुत सेलिब्रेट किया गया, लेकिन अब यह सवाल उठने लगे हैं कि कहीं सोशल मीडिया पर एक जासूस की एंट्री पर जश्न। फरवरी में बेंगलुरु से एक पाकिस्तानी लड़की इकरा जीवानी को पकड़ा गया, सुनिएगा, जो वहां अपने प्रेमी मुलायम सिंह के साथ रह रही थी। सीमा की तरह इकरा भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी। वो भी पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत पहुंची थी। बस फर्क यह है कि उसने गैर कानूनी ढंग से भारत में आने के लिए नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बल्कि नेपाल और बिहार की सीमा चुनी थी। तब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इकरा के पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया था। अगस्त 2022 में नेपाल भारत सीमा के रास्ते भारत के बिहार में घुसने की कोशिश कर रही खदीजा नूर को बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया था। इकरा और खदीजा की कहानियां एक जैसी हैं। तीनों दुबई और नेपाल के रास्ते भारत में घुसी और घुसने की कोशिश की। खदीजा के पास से नकली आधार कार्ड भी मिला था। सीमा के पास से भी आधार कार्ड मिलने की खबरें आ रही हैं। यह खबर भी आ रही है कि सीमा के पास कई पासपोर्ट्स हैं, 4 से 5 पासपोर्ट्स बताए जा रहे हैं। उसने भारत में घुसने के बाद अपने मोबाइल फोन की सिम को भी तोड़ दिया। यह भी पता लगा है कि सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है। इसमें से कितने तथ्य सही हैं, इन दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट है, समाज की सोच से पर्दा उठाती है। रिपोर्ट देखिए। में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ मां पार से मौत का फरमान, बचू ना बचू मुझे पाकिस्तान में तो मार ही दिया जाएगा, तुम लोगों से तो बहुत खतरा है ये। सीमा हैदर के खिलाफ मौलाना का फतवा, इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं और मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। मोहब्बत के लिए खतरा मोल लेकर भारत आई सीमा हैदर पर गदर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीमा के वीडियो देखकर पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तानी आवाम सीमा को भर भर कर बद्दुआएं दे रही हैं। पाकिस्तानी मौलाना ने तो सीमा के खिलाफ फतवे का ऐलान कर दिया है। सीमा का इश्क, हिंदुस्तान और हिंदू से शादी, ये सब देखकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी आग बबूला हैं और उनका कहना है कि सीमा ने हिंदुस्तान जाकर पाकिस्तानी मुस्लिमों का अपमान किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं और मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। ये छोटी सी जिंदगी ते रातां लंबियां लंबियां ओले जम परदेसी ते तेरी मेरी इत जिंदड़ी। सीमा हैदर ने सचिन मीणा से शादी तो कर ली है लेकिन उसकी कहानी में पेंच है। उसने अपने पहले पति गुलाम से अभी तक तलाक नहीं लिया है। बिना तलाक लिए सीमा ने हिंदू धर्म के अनुसार शादी की है। पाकिस्तानी मौलानाओं का कहना है कि सीमा जब तक तलाक नहीं लेती उसकी शादी जायज नहीं हो सकती। के जो बहाने हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब वो चूंकि इस्लाम को छोड़ चुकी है, दूसरा मजहब इख्तियार कर चुकी है, तो उनका निकाह तो फासिद हो गया है। उसका जो वालिद है, मतलब उसका जो शौहर है और उन बच्चों का जो वालिद है, वो अपने बच्चों के बारे में तकाजा कर सकता है कि तुमने तो इश्क में आकर मज़हब चेंज किया है लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी चोट लगी है सीमा की इस तस्वीर को देखकर। माथे पर सिंदूर लगाकर भारत में हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा करने वाली सीमा हैदर ने कहा कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी हैं।
और ये देखकर पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। आम पाकिस्तानी भी कट्टर पंथियों की तरह सीमा को सजा देने की मांग करने लगे हैं। नाउज़बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसे कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें। सरहद पार पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, इस पर पाकिस्तान के अंदर से भी दावे हो रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर से भी। लेकिन इन दावों के बीच प्यार में मर मिटने वाली इस कहानी में नया ट्विस्ट आया है 9 साल पुराने एक हलफनामे से। सीमा ने दुनिया के सामने बताया था कि गुलाम हैदर उसे प्रताड़ित किया करता था और बेइज्जत करता था, लेकिन एक सच ये भी है कि उसी गुलाम हैदर को पाने के लिए सीमा ने अपना घर बार छोड़ दिया था। सीमा ने एक समय गुलाम से भी बेपनाह मोहब्बत की थी। न्यूज 18 के पास 9 साल पुराना दस्तावेज है। ये हलफनामा यानी एफिडेविट खुद सीमा हैदर ने दिया था। सीमा के दावे वाले इस हलफनामे के मुताबिक उस समय सीमा के पिता उसकी शादी जबरन किसी और से कराना चाहते थे और सीमा ने गुलाम हैदर से शादी के लिए अपना घर छोड़ा था। सीमा ने अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी की थी। इसके लिए उस पर कोई डर या दबाव नहीं था। यही नहीं, सीमा ने अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़ा था। शादी के समय सीमा ने अपनी उम्र 19-20 साल बताई थी। शादी के वक्त सीमा ने खुद को बालिग बताया था। मुझे इज्जत देते, मेरे बच्चों को इज्जत देते या मुझे हर बात पे शक करना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना नहीं करते तो शायद मैं इनके बारे में सोचती और शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। पबजी गेम खेलते खेलते एक अनजान सचिन से सीमा की दोस्ती हुई। कुछ ऐसा ही हुआ था सीमा के साथ जब उसकी मुलाकात गुलाम के साथ हुई थी। सीमा और गुलाम की बातचीत एक मिस्ड कॉल से हुई थी। इसके बाद दोनों लगातार बातें करने लगे। सीमा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर गुलाम से निकाह किया था। सीमा हैदर पर विवाद बढ़ रहा है और सीमा को डर है कि कहीं अवैध तरीके से भारत आने के जुर्म में उसे वापस पाकिस्तान न भेज दिया जाए। इसलिए सीमा लगातार ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान में अगर कोई मुस्लिम महिला हिंदू से शादी करती हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता और उसे मार दिया जाता है। इसलिए उसने अपील की कि उसे पाकिस्तान न भेजा जाए, अगर भेज दिया गया तो उसे मार दिया जाएगा।